कहे तो चलो फिर पैसे नहीं तो 21 दे जाओ। मैंने क्या तो जी ये रही अपनी तीनों गाड़ियां भाई। बाकी भाई विपिन भाई की गाड़ी में ना पीछे देखो क्या लिखा हुआ है, बोन टाइट चिपक के मत चल चिपक जाएगा। वाह भाई अभी से ओस जमनी स्टार्ट हो गई गाड़ी पे, देख रहे हो कितनी ज्यादा ओस जम रही है, ऐसा लग रहा है कि बारिश हुई है। भाई मेरी गाड़ी नंबर देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, HR38AH6323 और यहाँ नंबर देखो क्या है, देख रहा ना। मतलब भाई मेरे को ना पहले शोरूम वालों ने ना नंबर दूसरा दे दिया था, तो मैंने दूसरा नंबर लगवा दिया, फिर मैंने गाड़ी में नेम प्लेट वगैरह सब लगवा दी, बाद में पता लगा कि मेरा नंबर ये है, वो तो अर्टिगा का नंबर है। चलो जी करते हैं अपनी राइड को स्टार्ट, अभी टाइम हो रहा बज रहे हैं 7, वैसे तो उठ चुका था मैं 5:30 बजे। वैसे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ सबसे पहले न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, वहाँ से देखेंगे एक बढ़िया सी राइड अच्छी सी, ठीक है, क्योंकि भाई पहली राइड जो होनी चाहिए वो एकदम बढ़िया लंदन टॉप वाली होनी चाहिए। तो चलो भाई चलते हैं। भाई सही है यार, वैगनर गाड़ी भी है ना मस्त है था। मतलब पहले मेरे को ना वैगनर बुरी लगती थी, पर भाई जब से वैगनर ली है चला रहा हूँ इसे मैं, भाई बहुत बढ़िया गाड़ी है। माइलेज तो इसकी भाई बहुत ज्यादा सही है, बहुत ज्यादा सही माइलेज है भाई इसकी यार। तो अभी भाई मैं इस रेड लाइट पे खड़ा हुआ था, तो भाई किन्नर थे, किन्नर आ गए मेरी गाड़ी के पास और कहने लग गए कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा जी राइड पे अपने काम पे जा रहे हैं। कह रहे अच्छे तो लाओ कुछ दे के जाओ, मैंने अभी मेरे पास खुले तो पैसे कुछ भी नहीं है क्योंकि मैंने CNG भरवा दी है। कह रहे तो चलो फिर पैसे नहीं तो 21 दे जाओ। मैंने किस, मैंने भाई सुबह सुबह के टाइम यार ऐसी ऐसी बातें भाई साहब यार, अब बंदा बोले भी तो बोले क्या, मतलब समझ रहे भाई, मतलब बोले भी तो बोले क्या। कह रही चलो फिर दोपहर में आके दे जाना, अभी दे के नहीं जा रहे हो, बताओ कब आओगे। मैंने भाई टैलम टूली के अंदर मेरे मुंह से निकल के 2 बजे कहा चलो 2 बजे मैं आपका यहीं पर इंतजार करूंगी। मैंने भाई मेरा इंतजार क्यों, भाई मेरा इंतजार क्यों करोगे यार। सही है भाई, मतलब सुबह सुबह काम के टाइम पे अगर ये सारी हरकतें मिल जाती है ना, देखो हंसी भी आती है फिर उल्टी बात गुस्सा भी आता। भाई टैक्सी देख रहे हो कितनी ज्यादा टैक्सी है यार, मतलब पूरा न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है ना भाई टैक्सियों से भरा पड़ा है। जब से यहाँ पे टोल का सिस्टम जो खत्म हुआ है ना उसके बाद से तो भाई इतनी ज्यादा टैक्सियां हो गई हैं, इतनी ज्यादा टैक्सी है, मतलब देखो भाई आप खुद देख सकते हो कितनी ज्यादा टैक्सी है, सब जगह आपको है ना कमर्शियल व्हीकल दिख जाए। यार टाइम देख लो कितना हो रहा है, 8:30 बजने वाले हैं और मैं 7 बजे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन आ गया था और भाई 1.5 घंटे से मेरे को कोई भी राइड नहीं मिली। जैसे भाई मैं एग्जिट लेने को हुआ ना, मैंने चलो भाई अब लोकेशन चेंज करते हैं कहीं और चलते हैं, कहीं और से राइड लेंगे, और जैसे ही मैंने एग्जिट लिया वैसे ही मेरे को राइड मिल चुकी है एयरपोर्ट T2 की। तो चलो भाई एयरपोर्ट चलते हैं और रेट भी थोड़ा अच्छा ही दिख रहा था हमें, चलो भाई लेट्स गो एयरपोर्ट। तो जी पहुंच चुके हैं अपन एयरपोर्ट और मैंने कस्टमर को ड्रॉप भी कर दिया T3 पे। बाकी अभी आ चुका हूँ मैं T2 की ऑल ओवर की पार्किंग में, यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दी, अब थोड़ा बहुत अपना आराम करेंगे जब तक राइड नहीं आती है, जैसी राइड आएगी वैसी अपन चल पड़ेंगे। तो जी भाई 1 घंटा सो गया था मैं तो, और अब मेरे को राइड मिल चुकी है प्रगति मैदान की, तो चलो भाई प्रगति मैदान चलते हैं अब। तो आ चुके हैं प्रगति मैदान और कस्टमर को हमने कर दिया है ड्रॉप। बाकी भाई मेरा हो रहा बहुत ज्यादा दिमाग खराब, अब दिमाग मेरा इतना ज्यादा खराब हो रहा है क्योंकि भाई एक तो भाई राइड बहुत कम है आज के दिन, मतलब बिल्कुल भी काम नहीं है आज तो, और दूसरी बात ये कि भाई प्राइस इतने कम मिल रहे हैं ना, इतने कम प्राइस मिल रहे हैं, मतलब ऊबर भाई कस्टमर से तो बहुत ज्यादा ले रहा है, 500-600 रुपए ले रहा है और हमें दे रहा है 250-300 रुपए। और भाई अब क्या करें, अगर कहीं फंसे हुए हैं तो भाई वो 250-300 की राइड तो मैं लेके आनी पड़ेगी, मतलब भाई बहुत ज़्यादा बुरा हाल हुआ पड़ा। ऊबर तो भाई एकदम चोर हुआ पड़ा भाई, एकदम चोर ऊबर हुआ पड़ा। मेरा तो भाई ये है कि भाई बाइक आउट कर दो भाई ऊबर को, ड्राइवर भी मत चलाओ और कस्टमर भी भाई कैब बुक करो मत अपना इसके थ्रू। भाई ओला बहुत सही है यार इस चीज़ में, ओला बहुत सही है, मतलब ओला है ना यार कस्टमर से पैसे भी कम लेता है और ड्राइवर को पैसे भी सही देता है, मतलब एक तरीके से वो कमीशन कम लेता है ओला, बहुत सही है। पर भाई ऊबर है ना भाई बेकार है, चोर है, लुटेरा है, जेब कतरा है, एकदम जेब कतरा भाई वाकई में, वाकई है मैं यार कितना सही लग रहा है, मतलब भाई एक तो एक नंबर का चोर है भाई। मेरा तो यही मानना है,
मतलब ये दुआ करता हूँ कि ऊबर है ना भाई इंडिया से बाइक आउट हो जाए, अपना रैपिडो और ओला चले। बाकी भाई आप लोग भी यार ओला ही बुक करा करो, ऊबर मत बुक करा करो, बेकार है ऊबर भाई, चोर है एकदम। गाइस अगर आपको कहीं घूमने के लिए जाना है लाइक पहाड़ों में या फिर मंदिरों में दर्शन करने के लिए, और अगर आपको गाड़ी की जरूरत है तो आप हमारी गाड़ी को बुक कर सकते हैं। अगर आपको रिश्तेदार के जाना है तो आप तब भी हमारी गाड़ी को बुक कर सकते हैं, तो हम आपको लेके जाएंगे सेफली विथ रिजनेबल प्राइस और फुल एंटरटेनमेंट के साथ में, फुल हंसी मजाक मस्ती के साथ में, और साथ ही साथ व्लॉग बनाते हुए भी, ताकि आपके पास भी एक यादगार रहे कि हाँ हम यहाँ पे गए थे। तो प्रफुल के चैनल पे व्लॉग डला हुआ है, तो चलो प्रफुल के चैनल पे व्लॉग देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आपको कैब की जरूरत है, तो आप हमारी गाड़ी को बुक कर सकते हैं। और गाइस इंडिया गेट के 30 किलोमीटर के अंडर में आप कैब बुक कर सकते हैं, मतलब आपकी जो पिकअप लोकेशन है वो इंडिया गेट से 30 किलोमीटर की होनी चाहिए, उससे ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपको कहीं भी जाना है, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं इस वीडियो में और आने वाली हर एक वीडियो में। मैं भले भैया की इंस्टा आईडी और अपनी इंस्टा आईडी डाल दूंगा, साथ ही साथ अपनी जीमेल भी डाल दूंगा, तो आपको जैसे सुटेबल लगे आप मेरे को मेल कर सकते हो या फिर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। चलो भाई अपन ने तो गाड़ी कर दी पार्क, अपन तो घर चलते हैं, भूख लग रही है, खाना ना खाएंगे। भाई स्कूटी है क्या ये? चलो भाई घर पहुंच चुके हैं। हेलो गाइस हाउ आर यू, नाश्ता रहा? नाश्ता नॉट गुड, इंग्लिश मम्मी इंग्लिश नॉट गुड, कैसे कर रहा पागल है क्या? ओहो इतना आगे पागल है क्या? पागल है क्या? इतना इतना की कीर्ति भाई टकला हो गया, हमने फिर गंजा करवा दिया। भाई भाई कीर्ति को ना रात को नींद भी नहीं आई थी आईफोन के चक्कर में, आईफोन 16 लॉन्च हो गया ना गाइस, तो अभी सब वही वही दिख रहा है। अब आईफोन ले लिया है, तूने बनाया 17 अभी? तू जो भी कह रही है कैसी रहे, तेरी सुनने वाला कौन है? मारूंगी मेरी भी बारी। कितने आराम से फिट हुआ है। आज की रात मजा आज की किस यू करके थे यू करके आज की रात मजा सुनने का। मेरा बच्चा सो जा, मेरा बच्चा जा ले। मैं टोटा मैं टोटा ओए होए मैं टोटा मैं टोटा लग ले आजा आजा प्यार कर ले आजा सो जा सो जा सो जा। मैं सोता क्यों नहीं है? लेगा पूरा जोर लगा, पूरा जोर लगा, पूरा जोर आ बोल जा बब्बा जी। चलो भाई फिलहाल अभी ललित और मैं हम चलते हैं दोनों भाई खाना खाने के लिए, आज डिनर हम दोनों साथ में करेंगे, तेरा घर चले जाएंगे इसमें। क्या खाया? चिली चिकन या चिकन चंगेजी? भाई साहब एक लड़की इंसान को कितना चेंज कर देती है देखो। तुम्हारी भाभी जो है वेजिटेरियन है। अच्छा ना हमें ही नहीं मिली अभी तक कोई चेंज करने वाली यार, जैसे हम भी कहने यार मैं नहीं खा रहा चिकन यार, अब नहीं यार मैं नहीं जा रहा इतने बजे, मतलब देख रहो बंदा जमाने भर के अंदर ऐसी तैसी करता है और बीवी के नाम पे छुआर हो जाती है उसकी। ये भाई डर होना चाहिए, होने वाली के नाम पे छुआर हो जाती है उसकी। लड़की सुधार सकती है, लड़की बिगाड़ सकती है, पर हम तो टेंशन फ्री है इस चीज से है, हमें कोई टेंशन नहीं है, सिंगल लाइफ इज बेस्ट ब्रो। गाइस कमेंट करके बताना आपकी आपके दोस्त से कितनी पुरानी दोस्ती है। भाई मेरी मन्नू से है ना कम से कम 20 साल तो होगी बाटी है, आराम से 20 साल पुरानी हमारी दोस्ती है, मतलब बचपन से ही हम साथ में हैं। तो बताना आप कमेंट करके कि भाई आपका कौन सा ऐसा दोस्त है जो अभी तक आपके साथ में और कितने पुरानी आपकी दोस्ती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। कैम पकोला हाई अम्मा मेरा दिल का डोला, मेरा दिल का डोला है, है? क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो
भाई बंदे को नुकसान करने वाला मजा आता है। तो आ चुके भाई अपनी चिकन चंगेजी, अनबॉक्सिंग द रोटी। भाई हमारे मन्नू भाई हमें ना अंगूठी गिफ्ट कर रहे हैं। गाइस मैं सोच रहा हूँ कुछ टाइम के लिए छपरी बन जाऊं, यानी पहन लूं। चलो भाई चलता है सीधा घर। हाँ चलो भाई घर आ चुके हैं। आज की रात मजा हुस्न का आँखों से पीजिए। आज की रात मजा